बच्चों आपको मल्टीपल्स ऑफ फैक्टर्स में कंफ्यूजन होती है ना, आज मैं लेकर आई हूँ मल्टीपल्स ऑफ फैक्टर का बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग वीडियो। तो चलिए बात करते हैं मल्टीपल्स क्या होते हैं। अगर मैं आपको बिल्कुल सिंपल वे में समझाऊं ना कि मल्टीपल्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स मीन्स होता है टेबल। क्या होता है? टेबल। जैसे कि 4 के टेबल में जो भी नंबर आएंगे ना वो सारे क्या होंगे, 4 के मल्टीपल्स होंगे। क्या होंगे? 4 के मल्टीपल्स होंगे। इतनी बात समझ में आए। अब बात करते हैं हम फैक्टर की। किसकी? फैक्टर की। जैसे आपको कोई भी नंबर दिया हो वो जिसके भी टेबल में आएगा वो होगा फैक्टर। क्या होगा? मैंने क्या कहा? वो होगा फैक्टर। जैसे हम इसमें समझते हैं, जैसे लिखा है 5 4 20। क्या लिखा है? 5 4 20। तो 20 जो है ना वो 4 5 के क्या है? मल्टीपल्स है। 4 5 के वो क्या है? मल्टीपल्स है। इतनी बात समझ में आई। और 5 4 जो है वो 20 के क्या है? फैक्टर है। क्या है बच्चों? 20 के फैक्टर है। इतनी बात समझी। तो चलिए मल्टीपल्स फाइंड आउट करते हैं कि इसे कैसे करना है। जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं 4 की, तो 4 का टेबल क्या होता है? 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, so on। ऐसे ही आगे बढ़ते जाते हैं। जैसे आपके एग्जाम में पूछा हो कि 5 मल्टीपल्स बताओ, 4 के 5 मल्टीपल्स बताओ, तो बस 4 का टेबल 5 तक लिखना है आपको, सिंपल। जैसे 10 का क्या होगा मल्टीपल? 10 1 10, 10 2 20, 10 3 30, 10 4 40, ऐसे ही आगे बढ़ता जाता है। जैसे 8 का टेबल 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, ऐसे ही आगे बढ़ते रहते टेबल। ऐसे ही लिखते हैं 7 का, 7 7, 7 2 14, 7 3 21, 28, 35। आई होप आपको ये मल्टीपल्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए बात करते हैं अब हम फैक्टर्स की। तो मैंने आपको क्या बताया था, जो भी आपको नंबर दिया जाएगा वो नंबर जिसके भी टेबल में आएगा वो क्या होगा? फैक्टर होगा। पहली बात समझ में आई। अब दूसरी बात, यहाँ पर 1 जो है वो कॉमन फैक्टर होता है सभी नंबर का, यानी 1 जो है वो सभी के फैक्टर होते हैं, क्योंकि 1 के टेबल में सारे नंबर आते हैं। तो 1 का 4 भी फैक्टर हुआ, 20 भी, 36 भी और 18 भी। इतनी बात समझ में आई बच्चों। अब दूसरी चीज, यहाँ पे तीसरी चीज देखिए, तीसरा यानी इटसेल्फ, वो खुद जो भी नंबर होगा ना जिसका फैक्टर निकालना है वो भी हमारा एक फैक्टर होगा। जैसे 4 का फैक्टर 4 भी होगा, 20 का फैक्टर 20 भी होगा, हाँ ऐसे ही 36 का फैक्टर 36 भी होगा और 18 का फैक्टर 18 भी होगा। ये तो बहुत ही कॉमन चीज है, इतनी बात तो पता ही होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आगे की बात करते हैं, 1 से लेके 4 तक, जैसे पहला हमें 4 का फैक्टर निकालना है, तो 1 से लेके 4 तक इनके बीच में ही फैक्टर होंगे, याद रखना, इसके बाहर नहीं जाएगा कोई भी नंबर, इसके बीच का ही नंबर इनका फैक्टर होगा। जैसे पहला तो हो गया 1, अब 1 के टेबल में 4 आता है, अब बात करते हैं 1 के बाद क्या आता है? 2, 2 के टेबल में क्या 4 आता है? 2 1 2, 2 2 4 आता है, तो 2 भी इसका फैक्टर हो गया। और 3 के टेबल में क्या 4 आता है? नहीं आता, तो 3 जो है 4 का फैक्टर नहीं होगा। अब 4 बचा, 4 के टेबल में 4 आता है, हमने ऑलरेडी लिख चुका है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 20, तो 20 जो है 1 के टेबल में आता है, लिख चुके हैं हम। अब 20 जो है क्या 2 के टेबल में आता है? 2 10 20 आता है, तो यहाँ पे 2 के टेबल में आता है ना, तो यहाँ लिखा हमने 2। अब बात करते हैं नेक्स्ट नंबर की, क्या 3 के टेबल में 20 आता है? नहीं आता। क्या 4 के टेबल में 20 आता है? यस, 4 5 20 आता है, तो यहाँ लिखा हमने 4। अब नेक्स्ट नंबर हमारा 4 की बात क्या है? 5। क्या 5 के टेबल में 20 आता है? यस, 5 4 20 आता है ना 5 के टेबल, तो यहाँ आया 5। 6 के टेबल में नहीं आता, 7 के टेबल में भी 20 नहीं आता, 8 में भी नहीं आता, 9 में भी नहीं आता, क्या 10 में आता है? आता है, 10 2 20, तो यहाँ आया हमारा 10 और 10 के बाद हमारा सीधे 20 पे आता है, 21 20, ठीक है। अब बात करते हैं हम 36 की, तो 1 के टेबल में आ गया, 1 तो हमारा कॉमन फैक्टर है। अब बात करते हैं 2 की, अब बोलोगे मैम 2 10 20 होता है, उसके आगे भी तो टेबल होते हैं, तो सिर्फ 10 तक ही काउंट करते हैं। 2 के टेबल में 36 आता है, चलिए डिवाइड करके देखते हैं, 2 1 2 और 2 2 4, 4 बड़ा है तो हम 2 लेंगे, कितने टाइम्स किया 1 टाइम, तो यहाँ कैरी हो गया और 16 आता है 8 टाइम, तो ये पूरा कट हो गया ना, तो एंटी 2 के टेबल में 36 आता है ना। अब बात करते हैं हम 3 की, क्या 3 के टेबल में 36 आता है? आप बोलोगे अगेन 10 टाइम्स, तो 30 होता है, उसके आगे भी बच्चों टेबल होते हैं, जैसे 3 1 3, 3 2 6, तो ये भी पूरा कट हो गया। अगर आपको इसे समझ में ना आए तो आप डिवाइड करके जरूर देखना बेटा। अब यहाँ पे 3 के टेबल में भी 36 आता है, 4 के टेबल में भी 36 आता है, तो ये भी लिख दिया मैंने 4, 5 के टेबल में नहीं आता, 6 के टेबल में आता है 36, तो यहाँ लिख दिया 6, 7 में नहीं आता, 8 में नहीं आता, 9 में, बताइए 9 में 36 आता है? यस, आता है 9 में, यहाँ लिखा 36। अब 10 में नहीं आता, 11 में नहीं आता, क्या 12 में आता है?
आता है ना 12, तो इसके आगे लिख लेते हैं हम, तो 12 भी आ गया। फिर जल्दी जल्दी बताइए 12 में, फिर उसके बाद सीधे आता है 18 के टेबल में 36, तो यहाँ लिखा 18 और 18 के बाद खुद अपने टेबल में आता है 36, समझ में आया। अब बात करते हैं हम 18 की, 18 बनता है 1 के टेबल में आता है, 2 में आता है, 3 में आता है, 4 में नहीं आता, 5 में भी नहीं आता, 6 में आता है, 6 में आता है, उसके बाद 7 में नहीं आता, 8 में नहीं आता, 9 में आता है ना 9 में, तो उसके बाद वो खुद के टेबल में आता है। आई होप आपको मल्टीपल्स और फैक्टर्स का कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो गया होगा। इसके बाद मैं डिजिबिलिटी रूल्स का कॉन्सेप्ट लेकर आऊंगी जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए, तो जरूर हमारे साथ बनी रहे और नेक्स्ट वीडियो जरूर वॉच करें, इसकी भी वर्कशीट आपको प्रोवाइड हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।